हेलो स्टूडेंट, क्लास एट मैथ आरडीएस का एक्सरसाइज 3.4 आज पढ़ना है। इसका पहला क्वेश्चन है कि राइट द पॉसिबल यूनिक डिजिट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर और व्हिच इज द नंबर का बोर्डर रूट। जैसे उसका पहला का ये दिया है, देना है कि यूनिट डिजिट के स्क्वायर में क्या होगा। इसलिए 9801 यानी 1 जो है इसकी यूनिट डिजिट पर स्क्वायर निकल जाए तो उसका 1 ही आएगा। इसमें किस नंबर मतलब किस नंबर का हम स्क्वायर निकाले कि उसकी यूनिट डिजिट पर 1 आए। देखिए इसका 1 r 9, ठीक है, 1 r 9 यानी 1 का निकालेंगे स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर निकालेंगे क्या होता है, 9 का स्क्वायर निकालने का 81 होता है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1 आ रहा है। उसी अगर 1 का निकालते हैं ठीक है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक, इसकी यूनिट क्या हो गया 1, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 r 9। इसी प्रकार इसका अगर हम दूसरा निकालें, दूसरा जो दिया है यानी क्या 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका पूरा 6, इस प्रकार से वाला समझ आएगा। ठीक, फिर दूसरा अगर आप प्राइम के स्क्वायर का निकाल लो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा क्या करना है स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो दूसरा का वाला दिया है 441, इसको प्राइम फैक्टर द्वारा या द्वारा स्क्वायर निकाल लेंगे। पिछले का हम आपको पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे इसको मैं निकाल दे रहा हूं होगा 3 3, यहां से वन में से यहां फोर जाएगा, 3 4 12 और 3 7 21 और 3 4 12 240 3 1 4। अब देखिए फिर 3 से डिवीजन कीजिए, 3 4 12 ठीक और 3 9 27 ठीक, 7 से 7 7 49 और ये 7 1 7 यानी क्या हो गया, ए 3 × 3 × क्या हो गया 7 × 7। अब यहाँ बिया निकालिए, इसका निकालना हमारा क्या है, हमारा 441 का स्क्वायर रूट कट देना। ठीक, ये हो गया 3 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर, जब बाहर निकालेंगे तो जाएगा 3 × 7 = 21 यानी 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा 21। इस प्रकार दूसरा बना लीजिएगा, फिर तीसरा भी ऐसे ही बनेगा, पूरे स्क्वायर रूट भी निकालना, पूरा इसका स्क्वायर रूट निकालना। इसके बाद मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 कि सबट्रैक्शन मेथड द्वारा, सबट्रैक्शन मेथड द्वारा स्क्वायर रूट, जितने भी प्राइम नंबर होता है 1 3 5 ऐसे करके सबको एड करते जाते हैं, सब मैच कर जाते हैं और लास्ट में जितने बार में वो सब 0 हो जाता है, लास्ट में जितने बार में वो 0 हो जाता है उतनी बार में का होगा उसका जितने बार में आया था उसी का स्क्वायर होगा। जैसे उसी के लिए करते हैं 169 है, 169 में ये पहले 1 मैच करेंगे, 3 मैच करेंगे, ऐसे करते करते लास्ट में जितने बार अगर 0 आता है उतना उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ 169 में 1 माइनस कीजिए क्या हो जाएगा 168। ठीक, इसमें क्या करेंगे 168 में 3 माइनस करेंगे, ठीक 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 165। फिर 165 में
आइडेंटिफाइज कीजिए, ठीक, ये हो जाएगा 160 में 7 माइनस कीजिए, ठीक, ये हो जाएगा 153 में 9 माइनस कीजिए, ठीक, ये हो जाएगा 144 में 11 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 133 में से 13 माइनस कीजिए, ठीक, तो हो जाएगा 0 में गया 120 होगा, 122 में से माइनस करेंगे 15, तो हो जाएगा 105 में से माइनस करेंगे 17, तो हो जाएगा 7 गया 8, बच गया 9 में से हो गया 88 जाएगा, और 88 में से माइनस करेंगे 19, ये हो जाएगा 18 में से 9 गया 9, माइनस हो गया 6, और फिर 69 में से माइनस करेंगे कितना 21, 9 में से हो गया 8, यहाँ बचा 5 में हो गया 3, ठीक, और 38 में से माइनस करेंगे 23, 8 में कितना गया 5, यहाँ बच गया 2, कितना अब यहाँ बच गया 9 से हो गया 9 से यहाँ और गया ये 6 में टू गया यहाँ सॉरी 4 होगा 4, और 48 में से यहाँ माइनस करेंगे 28 हो जाएगा ये 25, 8 में 3 के 5 4 2 के 2 यानी बस गया 25 में 25 में कीजिए यहाँ गया 0, लाइफ में लिखा गया यानी माइनस करते करते लाइफ में नहीं जितने भी पूर्ण नंबर है उसको लिखते हैं कर माइनस करते जाएंगे, ठीक, और जहाँ 0 आ गया जितने बार में 0 आया उतना उसका स्क्वायर होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 बार में आया ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 30 हो जाएगा, ठीक, इसको लिख दिया इनका स्क्वायर इक्वल टू वन आंसर हो जाएगा 30, ठीक, ये सब ट्रैक्टर का द्वारा इसमें अपना एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, थैंक यू।